नमकीन चावल खाने से बेहतर है कि आप गुड़ वाले चावल खाएं, ताकत आएगी। जो लोग रोजाना जामुन खा लेते हैं उसके चेहरे का रंग कभी पीला नहीं पड़ेगा। ज्यादा तली चीजें इस्तेमाल करने से मोटापा आता है और शुगर लेवल बढ़ता है। पुदीने का पानी रोजाना पीने से बदन की स्किन निखर जाती है। रोजाना दही खाने से नींद अच्छी आती है। नाशपाती खा लेने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। मेथी दाने को जोश देकर इस्तेमाल कर लो, जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। दूध में शहद शामिल करके रोजाना पी लेने से नजर तेज हो जाती है। सोने से पहले आम का अचार खा लेने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। जो औरतें अपनी आंखें खूबसूरत बनाना चाहती है वो शहद और सुरमा मिलाकर लगा लिया करे। चेहरे की झुर्रियां गायब करनी है तो दूध की मलाई और मक्खन मिलाकर लगा लिया करे। कम सुनाई देता हो तो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरो, सुनाई देने लगेगा। दुबले पतले लोग निहार मुंह अनार खा लिया करो, कुछ दिनों में मोटे ताजे हो जाएंगे। गर्दन पर नींबू रगड़कर 15 मिनट छोड़ दे, फिर इसे धोए। नियमित ऐसा करने से गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा। एक चम्मच दालचीनी का घोल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने पर निरोगी रहेंगे। यदि आपकी त्वचा पर धूप से जलने के कारण सूजन हो रही है तो सेब के सिरके को पानी में मिलाए और उस पानी से नहाए, इससे सूजन कम हो सकती है। अगर आप रोजाना 5 मिनट तक अपने नाखून को रगड़ते हैं तो इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपके बाल मजबूत होते हैं और नेचुरली बालों में ग्रोथ होती है। साथ ही इससे रोजाना करने से आपके बाल जल्दी सफेद भी नहीं होते हैं। मोटी गर्दन वाला अकल का कम होता है। जिन औरतों को खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन पर मालिश करें और रोजाना खजूर खाया करें। दांतों से नाखून काटोगे तो नजर कमजोर हो जाएंगी। सोने से पहले ज्यादा पानी पीने से जोड़ों के दर्द की दिक्कत हो जाती है। खीरा रोजाना खाओ, बुढ़ापा देर से आएगा। अपने पूरे शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए फिटकरी का मसाज करें। बालों में रूसी हो रही है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा दही मिलाकर बालों की मालिश करें। पानी पीने के बाद भीगे हुए बादाम जरूर खाएं, दिन भर एनर्जी मिलेगी। अगर आपके होंठ काले पड़ गए हैं तो अनार के बीज और मक्खन का पेस्ट बनाकर उसे लगाएं, इससे आपके होंठ चमकदार हो जाएंगे। खड़े होकर खाने से मन हमेशा अशांत रहता है, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मन की अशांति के अलावा खड़े होकर खाने से एकाग्रता भी कम होती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में परेशानी भी आती है। उल्टे पाँव चलो, मोटापे में कमी आएगी। कपड़े वाले साबुन से अपने बालों को धो लेने से खुश्की दूर हो जाएगी। नींबू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों की पिलाहट खत्म हो जाएगी। शहद को सिरके में घोलकर कुल्ली कर लो, आपके दांत 90 साल तक मजबूत रहेंगे। सोते वक्त मुंह में पानी आ जाता हो तो जामुन खाया करें। पानी में गुलाब का अक्र मिलाकर पी लिया करो, चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। अपने दांतों को केले या संतरे के छिलके के अंदरूनी हिस्से से रगड़े, इससे दांतों का पीलापन काफी हद तक कम होता है। ये छिलके मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। कुछ मिनट बाद ब्रश करें। फूड पिल्स का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करें। स्किन को जवान रखने के लिए रोजाना विटामिन सी से भरपूर कोई ना कोई एक या दो फल जरूर खाएं। संतरा, नींबू, मौसम्बी जैसे फल चेहरे की स्किन को टाइट रखते हैं और चमक भी बढ़ाते हैं। एक कटोरी में दही ले, उसमें गुड़हल की फूल या गुड़हल की पत्ती, मीठी नीम के पत्ते, आधा नींबू का रस डालकर उसका पेस्ट बना ले और उसे बालों में लगाए। गुलाब के अक्र में अंडे की सफेदी मिलाकर लगाओ, बाल में चमक आ जाएगी। लाल मिर्च की खुशबू सूंघने से बुरी नजर उतर जाती है। जो लोग बहुत पतले होते हैं उन्हें चने के साथ खजूर का सेवन करना चाहिए, उनका पेट जल्दी बढ़ने लगता है। चीकू का जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर भी फिट रहता है। अगर शरीर पर कहीं भी गांठ है तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है 1 से 2 ग्राम हल्दी गुनगुने पानी में लेने से गांठ खुल जाती है। अगर आपका थूक गाढ़ा हो गया है तो ये आपके अंदर ताकत की कमी की निशानी है। तुरंत फल वगैरह का सेवन करना शुरू कर दो। चक्कर आना नहीं रुक रहा है तो बिस्तर में लेटकर एक पैर जमीन पर रखिए, इससे दिमाग खुद को स्थिर कर लेगा और चक्कर आना बंद हो जाएंगे। कलौंजी का तेल रात के वक्त नाक में डाल दो, दिमागी सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त ज्यादा खट्टी चीजें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती है। ज्यादा चाय और कॉफी के इस्तेमाल से होंठ काले हो जाते हैं। ज्यादा थूक बाहर निकलने से हमारा दिमाग कमजोर होने लग जाता है और शरीर में पानी की कमी आ जाती है और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है।
अगर बदन से बदबू आती हो तो पानी में फिटकरी शामिल करें, फिर नहा लें। जलेबी को दूध के साथ खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। कैंसर के मरीज लोग ज्यादा से ज्यादा गाजर का जूस पी लिया करें। जो इंसान आंखों में सुरमा डालकर सोता है उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए तेज रहती है। 10 मिनट के लिए दही को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और उसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर हटा दें। इससे आपके चेहरे पर कितना भी मैल और डेड स्किन होगी वो सभी एक साथ आसानी से निकल जाएंगी। अगर आपको ज्यादा नमक या शक्कर खाने की आदत है तो समझ जाए, क्योंकि ज्यादा नमक लेना हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। कम सोडियम वाला भोजन खाएं, इस प्रकार शक्कर की मात्रा भी कम करें। नहाने से पहले पानी में नमक मिला लें, खारिश की बीमारी नहीं होगी। पानी के साथ अजवाइन खा लिया करो, हड्डियों में गुद्दा कम नहीं होगा। सफेद जीरा खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ज्यादा गर्म खाने से दिल कमजोर हो जाता है। मेहनत वाला काम शुरू करने से पहले जैतून का तेल दूध में डालकर पी लो, थकावट नहीं होगी। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधियों से शरीर को जितना लचीला बनाए रखेंगे मसल्स उतनी ही अच्छी स्थिति में रहेगी। रोजाना 15 दिनों तक लगातार अनार का सेवन करने से पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। रोजाना अनार का सेवन करने से जोड़ों और हड्डियों के दर्द को आसानी से कम किया जा सकता है। पेशाब में ज्यादा पीलापन आने लगे तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। पीते का दर्द हो तो हरा सेब खा लिया करें। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है उसको कभी कमर का दर्द नहीं होता है। रात के वक्त गुनगुने पानी से नहाने से गर्मी के दाने नहीं निकलते, न खारिश होती है। अदरक वाला पानी पीकर सोने से खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल सेहतमंद रहेगा। सोने से पहले ज्यादा रोशनी में रहना अच्छी नींद को दूर भगाता है। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि शाम के समय ज्यादा तेज रोशनी से दूर रहें। नींबू के छिलके सुखाकर पीस लें, इसमें नमक मिलाकर रोजाना दांतों को साफ करें, दांत चमकदार हो जाएंगे। ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से मैदे को ठंडक और सुकून मिलता है। नारियल के तेल में आंवला मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ती है। रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करें, कभी दांत खराब नहीं होंगे और ना ही कमजोर होंगे। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो आप घर पर मेथी दाने का हेयर पैक बनाएं और इसे बालों पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपके बालों पर इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप रोजाना केला खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्याज का रस लगाओ, चेहरे का दाग दूर हो जाएंगे। इमली का पानी पीने से जिस्म दुबला पतला हो जाता है और चेहरे के केल मुहासे खत्म हो जाते हैं। खांसी ना रुक रही हो तो गुड़ गरम करके चाट लो, खांसी रुक जाएगी। सफेद बालों के लिए प्याज बहुत ही फायदेमंद है। प्याज का पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। कुछ ही दिनों में चंद ऐसा करने से सफेद बाल काले होने लगेंगे। ज्यादा बोलने वाले इंसान को बोलने की बीमारी लग जाती है। दिया जलाकर देखने से नजर तेज होती है। दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। रात को पानी में इमली भिगो दे, फिर उस पानी से बाल धोए। ये अमल एक हफ्ता करें। बादाम या नारियल के तेल की मालिश करते रहें, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल सफेद नहीं होते हैं, तो आज से उबले हुए आलू का पानी फेंकेंगे नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत हो वो गुड़ का शरबत बनाकर पी लिया करें, दिक्कत दूर हो जाएगी। पानी में नमक मिलाकर घर में छिड़कने से घर में मच्छर नहीं आते हैं। कटहल में कैलोरी नहीं होती है, ऐसे में ये हार्ट से जुड़ी हुई कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन दिल की समस्या को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से आवाज सुरीली होती है। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम हो जाएगा। जैतून का तेल दुनिया का एक ऐसा तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता है। ये मोटापे से बचने के लिए एहतियाती फायदेमंद है। गर्म दूध में मखाना मिलाकर सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत होती है और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम होता है, क्योंकि दूध और मखाना दोनों ही कैल्शियम का भंडार होते हैं जो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। जब भी पेशाब आए तो ज्यादा देर तक मत रोके, इससे बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लिया करें, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। डिप्रेशन की वजह से आप सामान्य 3 से 4 गुना ज्यादा सपने देख सकते हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खाने से दिमाग कमजोर होता है। यदि बच्चों को बार बार पेट में कीड़े होने की शिकायत रहती है तो उन्हें रोज सलाद में टमाटर पर सेंधा नमक लगाकर खाने को दें। इससे कीड़े जड़ से खत्म हो जाएंगे। रोजाना रात को सोने से पहले गुलाब जल को कॉटन बॉल की सहायता से पूरे चेहरे पर लगाएं
और रात भर लगा रहने दे और सुबह नॉर्मल पानी से धो ले, गजब का फायदा मिलेगा। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बुरा हैजा हो सकता है। दूध गर्म पीने से हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती है। अदरक की चाय या सूखी अदरक का उपयोग आंतों की सफाई और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए छाछ में काला नमक और जीरा मिलाकर सेवन करें, लेकिन शाम के समय छाछ का सेवन ना करें। जिन लोगों को अचानक से बुखार आ जाता हो, उनको मेथी का पानी पिलाने से आराम आ जाता है। चेहरे पर नारियल का तेल मलने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं और मच्छर भी नहीं काटते हैं। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर तुरंत सो जाने से नींद ठीक तरीके से नहीं आती है। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। रोजाना एक केला खा लेने से गुस्सा, दिमागी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। रात को सोते समय अपना सिर ढककर सोए, ऐसा करने से सिर में खून का बहाव तेज होता है, जिससे हमारे सिर को ताकत मिलती है और बाल काले रहते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।